चिपकी बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए रिटर्न ले लिया। वो उसको कह रहा था कि डाउन हो गई और वो रिटर्न ले लिया और फिर सरकार जो है उस नोट को चार्ज करके फिर बाजार में ले आई। श्वेता सिंह ने देखिए कहा था, मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, आपके पास 2000 का नोट है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। 2000 का नोट है कि नहीं है? नहीं, मैं तो 2 साल से देखी ना, देखी। 2 साल से देखे नहीं है तो मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी? नहीं, इसीलिए तो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सर को दिक्कत। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ नलिनी। लगातार जो नज़ारे आप देख रहे हैं वो जंतर मंतर कर हैं। 28 दिन गुजर चुके हैं लगातार पहलवान धरने पर है। कलीम शेख जी, ये वो शख्सियत हैं जिन्हें आप कॉमेडियन के तौर पे जानते हैं और इस पहलवान आंदोलन में अपनी आवाज को ये मुखरता से रखते आए। हर मुद्दे पर इन्होंने हमसे बात की। आज इनसे एक बार फिर जुड़े हैं हम और इनसे बात करेंगे। कलीम जी, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद जी। और सबसे, मैंने ये जब से आया हूँ जी, मैं यह जंतर मंतर पे पूरी लाइफ में पहली बार आया हूँ। और एक बात आपके मतलब बताना चाहूँगा जो मेरे दिल की बात है। अच्छा, कि ये जो नलिनी मैडम आपका नाम है ना, आप तीसरी बार मुझसे मुखातिब हो रही हैं जी। तो ये जो नलिनी मैडम जी हैं, मेरे को आज मैंने इनको कहा भी था कि आप मुझसे सिंगल बात कीजिए, क्योंकि आप में थोड़ा बहुत लगता है कि आप पत्रकारिता में सच में पत्रकार हो। ये सर, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। पत्रकार को सही ढंग से अपने जनता के बात और रखना चाहिए, जो आप बखूबी रखती हो। और मैं जब से एक हफ्ते से मैं आपका चैनल भी देखने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे सब्सक्राइबर्स में भी जुड़ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं बातचीत की। कलीम जी, जिस प्रकार से हमने परसों देखा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है बृजभूषण शरण सिंह का, जिसमें जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि सर खिलाड़ियों ने कहा है कि न्याय नहीं मिला तो मेडल वापस कर देंगे, तो बृजभूषण ने कहा कि करना है तो पैसा वापस करें, मेडल तो 15 रुपए में बिक जाएगा। मेडल को 15 रुपए से तोल दिया बृजभूषण शरण सिंह ने। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अफसोस। आप देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब मैं बार बार आपके भी इंटरव्यू में कहा भी कि जब ये बच्चे जो बहनें हैं हमारी, चाहे हमारा भाई हो कोई भी हो, अगर मेडल लाता है तो हम खुश होते हैं। देश की जनता का सीना जो है फख्र से ऊंचा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए वो अपनी काबिलियत के दम पर मेडल लाते हैं, मेरा ऐसा मानना है जी। तो अगर हम जनता खुद 140 करोड़ जब ये मेडल लाते हैं तो बहुत खुशी का एहसास होता है। तो आप हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी खुशी है, उसका अपमान कर रहे हैं ये फिर इस तरह की बातों से। आपने कहा कि अपमान कर रहे हैं, वहीं अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें सर, तो धरने के लिए कई बार पहलवान कह चुके हैं, गुजारिश कर चुके हैं पत्रकारों से कि आप लोग भी दिखाइए। पहलवानों की बातें नहीं दिखाई जा रही है, मगर कल से एक और मास्टर स्ट्रोक दिखाया जा रहा है प्राइम टाइम में। गुलाबी नोट गायब हो गया सर मार्केट से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, आज ही सुबह सुबह मेरे साथ एक दोस्त मेरा मिला था और वो देखिए हम लोग में क्या है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आपके व्यूवर्स भी सुनेंगे कि मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि नलिनी मैडम हो गई, कलीम शेख हो गया, हम दोनों का धर्म एक, और ये इंद्रा सर यहाँ बैठे थे, ये सिख हैं, कोई ईसाई है, तो हम जितने भी लोग हैं अलग अलग जाति अलग अलग धर्म से, तो हम सबका पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, भाईचारा मनभेद तो नहीं हो सकता। तो हम ये सब क्यों ये कर रहे हैं? तो वही तो पूछ, तो उसी लिए तो मेरा आज एक दोस्त मिला था। तो वो बोलता है भाई गुलाबी मतलब 2000 के नोट बंद हो गए, चलन से बाहर कर दिया आरबीआई ने, 30 सितंबर तक आपको वापस करने हैं बैंक। तो हो गया, चलन से नहीं है, आप ये मैं नहीं मानता क्योंकि चलन में है तो उसे अनलीगल टेंडर नहीं है, ठीक है, इलीगल टेंडर नहीं है, लेकिन अब चलन में वो बाजार में यूज नहीं किया जाएगा 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर से पहले पहले आपको वो बैंक को जमा करना है। वहीं पर आता हूँ, तो उसने कहा कि हम लोग थोड़ा फंड भी कर लेते हैं, तो वो तो खैर बीजेपी माइंडेड है, तो हम लोग का पॉलिटिकल मतभेद नहीं है, भले वो बीजेपी सपोर्टर है और मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं, तो हम लोग चाय पानी साथ में पीते हैं। तो आज मुझे मिला वो, तो मुझे बोल रहा है कि भाई 2000 के नोट बंद हो गए। तो मैं बोला तू यार तो नोटबंदी अच्छा बता रहा था, एक तो पुराने देख नोटबंदी में जो 16 में हुई थी उसमें तो हम बहुत तकलीफ में आए थे, अभी ऐसा कहीं ये भी तो नहीं हुआ, ये क्यों हो गया ये तो बता, तू ज़्यादा नज़र बनाए रहता है सरकार पे। तो बोल रहा है नहीं नहीं शायद सरकार ने रिटर्न ली होगी, जो मीडिया ने दिखाया था कि नोट में चिप है, तो इस वजह से उन्होंने
चिप की जो बैटरी है वो डाउन हो गई होगी। अच्छा। तो इसलिए सरकार ने रिटर्न ले लिया। चिप की बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए रिटर्न ले लिया। वो उसको कह रहा था कि डाउन हो गई। हाँ। और वो रिटर्न ले लिया। और फिर सरकार जो है उस नोट को चार्ज करके फिर बाजार में ले आई। श्वेता सिंह ने देखिए कहा था, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो ये वो तो ऐसा कह रहा था जो जिसको जितना दिमाग आता है। श्वेता सिंह ने भी तो 2016 में कहा था टीवी पे कि चिप लगी हुई है जमीन के अंदर, गाड़ेंगे तो सैटेलाइट सिग्नल पकड़ लेगी, प्रधानमंत्री को पता चल जाएगा पैसा कहाँ छुपा कर रखा है। मिलती अगर मुझे मिल जाती काश तो मुझसे यही जवाब, मैं अगर पूछता तो भी वो भी यही कहती कि बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए सरकार ने वापस ले लिया, चार्ज करके फिर दे देंगे। तो कह रही थी कि काला धन पे मास्टर स्ट्रोक है, और आप कह रहे हैं काला धन वापस जब्त करने के लिए जो है दोबारा से नोटबंदी हुई। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता। अब की बार जो नोटबंदी का जो सरकार का फैसला आया है तो मेरे ख्याल से ये सही है। सही है जी। अच्छा, कैसे सही है? सही अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सही है। वो इसलिए कि अभी आपको पता है ना कि बैंक करप्ट का मामला आ रहा है अमेरिका से, पता है ना आपको ये न्यूज। तो अगर अमेरिका सुन रहा हूँ कि दिवाला होने वाला है तो उसका असर पूरे भारत के मतलब और पूरी दुनिया के बाजार पर आने वाला है। तो अगर सरकार ने ये फैसला लिया होगा तो जो भी कुछ पैसा जमा पूंजी 2000 के शक्ल में लोगों के घरों में रखा हो, अगर वो मार्केट में फिर से रिटर्न आ जाए तो लिक्विड मनी का इन्फ्लेशन जरा आ जाएगा। काला धन बता रहे हैं ना, पहले कह रहे थे कि 2000 का नोट आएगा तो काला धन नहीं है, और अब 2000 के नोट छुपा के रखे गए हैं तो काला धन वापस आएगा ना, बाहर आएगा। ये काला धन किसी ने नहीं माना। हाँ। पता नहीं आप कहाँ से ये सर देखिए कल से चल रहा है टीवी स्क्रीन पे काला धन, काले धन पे मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक एक बार फिर से। अब क्या करें? चलिए आपको अरविंद केजरीवाल जी का भी एक ट्वीट बता देते हैं। ऐसा मानना था कि अगर ये सब लिक्विड मनी फिर से निकल के आए तो जो बाजार का जो रौनक चला गया है शायद वापस आ जाए। अच्छा। मेरा ये मानना है तो मैं इसको थोड़ा मतलब अलग नजरिए से देख रहा हूँ। लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा फिर से, वही जद्दोजहद हो। बात कुछ नहीं कहा। अच्छा। जब तक आपके पास है वो टेंडर में रहेगा और आप उसको धीरे धीरे बैंक में जमा कर सकते। धीरे धीरे बैंक में जमा करने के लिए भी तो लाइन में लगना पड़ेगा ना। नहीं नहीं यार। हाँ। आप समझिए ना, मैं आपके पास 2000 का नोट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, 2000 का नोट है कि नहीं है? नहीं, मैं तो 2 साल से देखी ना, देखी 2 साल से देखे नहीं है, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी? नहीं, इसलिए तो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सर को दिक्कत नहीं होगी, इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। जैसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगा। कलीम जी, जब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि एक अच्छा डिसीजन है तो सभी लोग इतना घेराव क्यों कर रहे हैं? चलिए आपको सीएम की बात एक ट्वीट पढ़वा देते हैं। मैं चलिए आपको एक ट्वीट से आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, पहले बोले कि 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, आप बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हम सुन लीजिए पूरा सुनिए, इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है उसे समझ नहीं आता, भुगतना जनता को पड़ता है। अब देख लीजिए आपके दिल्ली के सीएम ये बात कह रहे हैं। वो उनका राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, क्योंकि जो भी पक्ष विपक्ष होता है ये आपस में कटाच करते हैं। हाँ। पर मैं एज ए जनता मैंने ये सोचा, अब अगर इस तरह की बात तो हम जनता भी तो करेंगे, ऐसा नहीं है, पर तो अभी जो बाजार का हालत है ना उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा, क्योंकि देखिए अभी जो है ना बाजार की आपको स्थिति पता है ना, आप भी पत्रकार हैं, जाती होंगी, तो इस हिसाब से मैं देख रहा था। अब इसको आज ही कल का बात है तो अभी तो हम यहाँ पर धरने पे हैं, तो मैं अब पढ़ूंगा रात तक पूरे इसके। मगर दो बातें हो गई ना सर, पिछली बार बोला गया था कि 2000 का नोट बंद होगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इस बार बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए 2000 के नोट को जो है वापस से आरबीआई अपने पास ले रही है, मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार वही था क्या? भ्रष्टाचार ही तो सरकार में है। अच्छा, सरकार में भ्रष्टाचार क्या है? नहीं है, नहीं है। आप भी तो मुस्कुरा रही हैं, तो आपको भी तो पता है कि है। अच्छा। है नहीं, आप बताइए। मैं कैसे जवाब दूंगी? आप दीजिए ना सवाल, करूंगी मैं, आप जवाब। मैम देखिए ये इसलिए मैं आपकी मुस्कान जो है ना, आप मुस्कुरा देती है ना तो जनता समझ जाती है कि सही बात है। मुस्कुराना तो अच्छी बात है ना, तो इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि मुस्कुराना अच्छी बात, ये बहुत सही कहा आपने। लेकिन जो 2014 से जनता की मुस्कान चली गई है, तो अगर इस तरह की मुस्कान से आप के अगर जनता को मुस्कान चेहरे पर आ जाए
तो हम दोनों जो है एक बहुत बड़ा काम कर दिया। चलिए, तो 16 वाली नोटबंदी बढ़िया थी कि ये वाली नोटबंदी बढ़िया है? मैं बोला ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, अभी इसको स्टडी करूंगा। अच्छा, अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। वापस एक दो सवाल आपसे पहलवानों पे भी ले लेते हैं। सर, कल 21 तारीख पूरी हो रही है, अल्टीमेटम जो था सरकार को दिया गया था गिरफ्तारी के लिए, वो अल्टीमेटम खत्म होने जा रहा है, कोई भी न्याय की बात नहीं हुई और न्याय ही न्याय मिल पाया। कल का अल्टीमेटम किसने दिया है? हाँ। आप बताइए ना। आप पंचायत वालों ने दिया है? अब कौन वालों ने लीड कौन कर रहा है? सारे सवाल हमें का नाम सुने थे। हाँ। वो आ रहे नहीं आ रहे? हाँ। आप बताइए तो, हूँ क्यों करती है? हाँ। बताइए तो। नहीं तो आप ये बताइए, राकेश न्याय में आ रहे नहीं आ रहे? ये तो पता चले, उन्होंने समर्थन दिया नहीं दिया? अब ये तो पता चले, समर्थन तो दिया ही था ना, अब ये पता चलेगा ना कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो कल पता चलेगा। ने देख लिया। हाँ। कि राकेश टिकट क्या है? अच्छा। और आपको मालूम ही नहीं है? अच्छा। क्या है? क्या है? हाँ। नहीं मालूम है, बताइए थोड़ा क्या है? अच्छा, तो राकेश टिकट साहब ने तो बताया कि वजह से तो इनकी तपस्या भंग हुई थी। अच्छा। तो कहते तपस्या में कमी रह गई थी, शायद फिर तपस्या अब आगे जनता समझदार है। क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा कि नहीं? न्याय ऐसा लग रहा है देख के इस सरकार में कि न्याय मांगने से नहीं मिल रहा है, छीनना पड़ रहा है। छीनना पड़ेगा, छीनना पड़ रहा है, छीनना पड़ रहा है, तो छीनना पड़ेगा भी सर, तो फिर किस तरीके से न्याय मिलेगा? 21 दिन का अल्टीमेटम किसानों ने छीना था। हाँ। पहलवान भी छीने। मिलेगा न्याय? मिलेगा। ब्रजभूषण गिरफ्तार होगा? देश है ब्रजभूषण, देश है क्या? अरे देखिए, उनके समर्थन में देखिए, अयोध्या में वहाँ रैली करने जा रहे हैं। मैम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। अयोध्या में वहाँ रैली करने जा रहे हैं 5 जून को, 10 से 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सवाल सुनिए ना, आपने कहा ब्रजभूषण देश है, उसी में पूछ रही हूँ। देखिए, 10 से 11 लाख लोगों को इकट्ठा करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं 5 जून को अयोध्या में ब्रजभूषण शरण। शक्ति प्रदर्शन? हाँ। तो अच्छा, नेता शक्तिमान होता है कि जनता? आप बताइए, आपको नहीं पता? मुझे तो एक ही शक्तिमान पता है, वो टीवी पे जो आता था, जो गंगाधर। हाँ। इसमें भी वही लग रहा है। अच्छा। कि गंगाधर ही शक्तिमान है। अच्छा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जनता शक्तिमान होती है। जब जनता अपने वोटों की शक्ति देती है ना, तब ही कोई नेता शक्तिमान बनता है, और जब शक्ति खींच लेती है जनता, तो फिर उसका कल्याण हो जाता है। हाँ। मैं नहीं मानता जनता से बड़ा इस देश में नेता होता है। समर्थन तो उनका भी हो रहा है ना सर, समर्थन इनका भी हो रहा है, तो ये तो लोकतंत्र की खूबी है ना। हाँ। तो क्या बुरा है? वो उनकी शक्ति हम देखेंगे, जनता की शक्ति नेता देखेंगे। न्याय की लड़ाई जारी रहे। आपको न्याय अच्छा बुरा नहीं मानिए, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को आप अपनी बहन मानती नहीं जी? क्या आप मानती हैं? आपकी बहन है नहीं है? तमाम लड़कियां मेरी बहन है ना। हाँ। क्योंकि देश की बेटी है। अच्छा। देश की बहन है। आपको भी मैं अपनी बहन मानता हूँ, और जो मुझसे बड़े देखने वाले होंगे वो आपको बेटी मानते होंगे, राइट है ना? तो किसी भी बेटी बहन पर अन्याय होगा तो हम देश की 140 करोड़ जनता साथ में रहेंगे, तो जनता से फिर शक्तिमान कौन होगा? अन्याय किसी भी लोग, जो इंसाफ परस्त लोग होते हैं ना, उसे अन्याय पसंद नहीं आता। तो कह रहे हैं इंसाफ पसंद जो लोग होते हैं उन्हें अन्याय पसंद नहीं आता। तो आपने देखा कि हमने कलीम जी से बात की, इन्होंने सारे मुद्दों पे हमसे बातचीत की। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए द जनता लाइव।